Hello friends and students, welcome to our channel Lakshya Law Academy. Friends, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हम इस चैनल पर लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब से इस चैनल पर हम जीएस पोर्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली बिहार सिविल जज का एग्जाम की संभावित डेट 9 अगस्त डिक्लेयर की गई है, इसलिए हम उसके लिए जीएस पोर्शन को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आज आपको बिहार सिविल जज का जो प्री का पेपर फर्स्ट है जीएस पेपर, उससे रिलेटेड कुछ जो भी उसका सिलेबस है वो डिस्कस किया जाएगा और फर्दर फिर जीएस की क्लासेस आपके लिए कंडक्ट कराई जाएंगी। इस चीज के लिए आपके लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जो है वो आपको जीएस पढ़ाएंगी, जो एमपीपीएससी और यूपीएससी के बच्चों को अभी तक पढ़ाती आई है। तो आप लोग भी लाभ उठाएं इस अवसर का और अपने जीएस पोर्शन को बेहतर बनाएं। सर के साथ सर जो है आप लोगों को जीएस पोर्शन तैयार करवाएंगे फॉर बिहार जुडिशरी एंड ऑल अदर स्टेट जुडिशरी और ऑल अदर पेपर्स रिलेटेड टू लॉ, जिन जिन में भी जीएस पोर्शन पूछा जाता है। इसके अलावा हम आगे चल के कंप्यूटर्स इंग्लिश के भी क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो जुड़े रहे चैनल के साथ। और अगर यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। क्योंकि आपको भी पता है कि जुडिशरी से रिलेटेड जो लॉ मतलब हमारा जीएस पेपर होता है उसके लिए हमें काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो यदि सर हमें गाइड कर रहे हैं जीएस के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल एस्पिरेंट्स ऑफ बिहार सिविल जज। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। अब हम शुरू करेंगे अपनी जीएस क्लास को सर के साथ। तो अब जो है सर आपके साथ कनेक्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जीएस क्लास विद प्रासु जैन सर। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य लॉ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। वेल फ्रेंड्स, अभी तक जो काफ़ी लंबे समय से ये कोरोना वायरस की वजह से एग्ज़ाम्स जो है डिले होते जा रहे थे, लेकिन अभी कुछ रीसेंट समय में ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल जज एग्ज़ामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, जिसका एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने की संभावना है। तो इस पेपर में अभी तक हमारे चैनल पर आपको लॉ से जुड़े हुए तो काफ़ी सारा मटेरियल मिल रहा था, पर अब यहाँ पर हम स्पेसिफिकली फॉर बिहार सिविल जज 2020 के लिए जीएस का पोर्शन भी तैयार कराएंगे। सो बेसिकली जीएस के पोर्शन को तैयार करने से पहले अगर हम अपनी तैयारी का स्तर देखें, तो जीएस का जो पोर्शन है यानी पेपर टू, आप सबको ये तो पता ही होगा कि पेपर वन और पेपर टू यानी प्रीलिम्स में किस तरह से पेपर बनना है, तो उसमें जो पेपर टू आपका आ रहा है 100 नंबर का, जिसमें जीएस और एलिमेंट्री साइंस इन्वॉल्व्ड है, उसको तैयार करने के लिए हमें अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना होगा कि हमारे पास अगर कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे उसको या तो परफेक्ट आंसर मालूम हो तो हमें उसको सही करना है, या फिर एलिमिनेशन के थ्रू कैसे हम अपने आंसर को सही ला सकते हैं, ये तैयार करना है। क्योंकि जीएस का जो पोर्शन होता है, जीएस का पोर्शन आपके एग्ज़ाम को क्लियर कराने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये बात जानना और ये बात मानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम प्राशु जैन है और मैं पीएससी और यूपीएससी के छात्रों को पिछले 6 सालों से तैयार करता आया हूँ, मध्य भारत और उत्तर मध्य भारत के कई बड़े बड़े संस्थानों में। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊँगा, हालांकि डिटेल बताना भी आवश्यक नहीं है, मुद्दा है आप सबका एग्ज़ाम क्रैक करना। तो चलिए हम अपने एग्ज़ाम पे डायरेक्ट जंप करते हैं। और ये स्क्रीन पे आपको बिहार सिविल जज सिलेबस के बारे में दिख रहा होगा लिखा हुआ, ये एक पीडीएफ मैंने आपको शेयर की है। इस पीडीएफ में आपको पहला जो टॉपिक है वो जनरल नॉलेज का है। चूँकि बिहार सिविल जज 2020 जो होने वाला है, अगर हम उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर और सिनेरियो देखें, तो पिछले कई सालों से देखा गया है कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो लगभग एक जैसा ही है।
तो इसमें जो सिलेबस आपको बताया जा रहा है उसमें आप देखिए, पहला लिखा हुआ है जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में इन्होंने क्या क्या कंटेंट किया हुआ, क्या क्या कंटेन किया है ये देखिए। इसमें इन्होंने बोला है कि इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स, द पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी ऑफ अ नेचर विच कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट स्पेशल स्टडी। यानी कि सामान्य ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी सहित, जिसमें इस पत्र में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा भूगोल के ऐसे सभी प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना किसी विशेष अध्ययन के ही दे सकते हैं। तो विशेष अध्ययन अगर करना ज़रूरी नहीं है तो ये मान के चलिए कि इसका जो पूरा लेवल है वो आपको 10 तक का आएगा, ठीक है। पहली चीज़, क्योंकि विशेष अध्ययन के लिए हम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं 11th और 12th में जा करके, और फिर फर्दर हमारे जो सब्जेक्ट और स्ट्रीम है वो आगे और कन्वर्ट हो जाती है। तो एक ओवरऑल जनरल नॉलेज, लेकिन जनरल नॉलेज किस तरह की होना चाहिए? जनरल नॉलेज होना चाहिए आपकी उस लेवल की जहाँ पर एटलीस्ट जिस जगह आप रह रहे हैं, जिस देश के आप वासी हैं, आपको उसके बारे में एक सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है कि हमारी संस्कृति क्या थी या हमारी हमारा ऐतिहासिक परिदृश्य क्या रहा है, क्या था और क्या है। क्योंकि एक बात आप निश्चित तौर पर अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आज हम अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं यानी विकसित राष्ट्र कहते हैं। तो विकास का अगर पैमाना हम मापें तो वो पैमाना किस पे, किस बेस पर हम नाप सकते हैं? तो विकास का पैमाना हमारा नापता है हमारे ऐतिहासिक परिदृश्य से। तो इसलिए हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारा भौगोलिक परिदृश्य हमें मालूम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर बहुत लिमिटेड सी चीज़ें आती हैं। जैसे अगर मैं आपको भूगोल के बारे में बताऊं तो हम भारतीय भूगोल की अगर बात करते हैं तो भारतीय भूगोल को हम चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत शुरू होता है हिमालय की चोटी से कन्याकुमारी और अंडमान निकोबार आइलैंड तक का, ठीक है। तो इसमें जो है भारत को मुख्यतः चार भागों में तोड़ा गया। पहला तो पर्वतीय क्षेत्र यानी माउंटेन रीजन, दूसरा द ग्रेट गंगेटिक प्लेन यानी गंगा का पठार, गंगा के मैदान, तीसरा प्लेट्यू रीजन यानी पठारी क्षेत्र पेनिनसुलर इंडिया, और चौथा जिसको हम कहते हैं कोस्टल रीजन, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इन चार पार्ट्स को तोड़ देते हैं तब हमें काफ़ी आसानी होती है अलग अलग जगह को उठा के उसकी बेसिक डिटेल्स समझना। उसी प्रकार जब हम हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे तो हिस्ट्री हमारी किस तरह से डील करती है वो सुनिए, ये बहुत आसान है समझना। देखिए हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का एक्चुअल मतलब होता है टू स्टडी द पास्ट इवेंट इन एन सिमेट्रिकल फॉर्म या फिर सीक्वेंशियल फॉर्म, अपने पास्ट के इवेंट को पढ़ना। तो पास्ट के इवेंट को हम किस तरह से पढ़ेंगे और क्या हमारा प्रोटोकॉल होना चाहिए उसको पढ़ने का, और किस तरह के कंटेंट हमारे पास अभी तक अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए, अगर हम उसको देखें तो हमारी हिस्ट्री मात्र तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। भारत की बात हो रही है, इसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकली नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, चूंकि आपके एग्जाम पेपर में भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, अगर आपके एग्जाम पेपर में इंडियन हिस्ट्री लिखा है तो हमें इंडियन हिस्ट्री के ऊपर ही चर्चा करनी है। तो देखिए अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें आएगा आपका एंशियंट यानी प्राचीन, मिडिवियल यानी मध्यकालीन, और मॉडर्न यानी आधुनिक। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की अगर हम बात करें तो उसकी टाइमलाइन डिसाइडेड है, और टाइमलाइन डिसाइड करने का जो तरीका था वो इस तरह से रहा है कि जो भारत मानव इतिहास जहाँ से भी शुरू हुआ है, 20 साल, 20 लाख साल या 10 लाख साल, जहाँ से भी मानव इतिहास चालू हुआ है वहाँ से हम अपनी इतिहास ऐतिहासिक घटनाक्रमों को शुरू करते हैं और इनको आगे लेकर के आते हैं। फिर
मध्यकालीन जो इतिहास शुरू होता है वो इस तरह से होता है कि हमारे भारत के अंदर कैसे एक नया संप्रदाय, एक नया समुदाय आकर के विचरता है और यहाँ का ही रहवासी होकर के फिर किस तरह यहाँ के पुराने रीति रिवाजों के अंदर अपने नए रीति रिवाजों को घोल मिल करके व्यवस्था बनाता है, तो वो देखा गया। और फिर उसके बाद जब मॉडर्न आया तो मॉडर्न कैसे आधुनिक यानी यूरोप से आए हुए जो लोग थे, जो आपके पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जिस तरह से आए और उन्होंने जिस तरह के नए नए कानून वगैरह इंट्रोड्यूस कराए यहाँ पर, और कैसे भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी और भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था थी उन सब के अंदर बहुत व्यापक परिवर्तन किए गए, तो ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग पार्ट में देखेंगे। खैर, अब अगर हम बिहार की ही बात करें तो बिहार तो अपने आप में ही एक ऐसी धरती है जिसका बहुत व्यापक ऐतिहासिक परिदृश्य रहा है, जिसने महावीर भी दिए हैं, जो बुद्ध की स्थली भी रही है, जो चंद्रगुप्त मौर्य को भी अपने अंदर समाहित करके रखी है, जो चाणक्य को भी, चाणक्य के अर्थशास्त्र को भी अपने अंदर समेटी है, जिसने अशोक को भी देखा है, जिसने चोल साम्राज्य भी देखा है, जिसने गुप्तों को भी देखा है, और भी कई सारे ऐसे नाम हैं जो बिहार की धरती पे ही आपको आप अपनी नई नई क्रिया करते हुए दिखते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री जो हम शुरू करेंगे वो हम बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स को लेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में भी एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन आता ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा कम कल्चरल फॉर्म में, ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस रह जाती है और अशोक वगैरह से ज़्यादा आता है, तो हम उसको इस फॉर्म में तैयार करेंगे। फिर जब हम मिडिवियल की बात करेंगे तो मिडिवियल में हम कुछ नाम हमारे पास आते हैं, जैसे एक लाइन में आपको बताता हूँ, वो लाइन अगर आप याद कर लें तो ये मान के चलिए आप पूरी मिडिवियल निपटा लेंगे, सिर्फ एक लाइन, और वो लाइन है गुड़ खा तसले में, गुड़ खा तसला यानी गुड़ खा तसले में। इससे देखिए क्या बनता है आपका, आपको अजीब सी लगेगी ये लाइन, तो इससे बनता है गुड़ खा तसले से गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी और मुगल। ये पूरा सल्तनत काल था मिडिवियल हिस्ट्री का, जिसमें इसी सीक्वेंस में सारे सुल्तान और सारी डायनेस्टी ने रूल किया, मध्य भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत और कुछ हद तक दक्षिण भारत पर। और उसी समय में एक और साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, जो दक्षिण भारत में अपना राज्य कर रहा था। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें तो समझ में आई होंगी। और उसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट चलता है वो दो प्रकार से चलता है, 1498 से लेकर 1757 तक, और 1757 के बाद 1857 जहाँ पर हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, और 1857 के बाद का 1947 तक बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्म में, जिसमें अगर हम मोटा मोटा हिसाब किताब लें तो 1498 से लेकर के 1857 तक हम अलग अलग जो कंपनियां भारत में आई थीं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और भारत के अंदर जो पहले से ही निवासरत राज्य थे और उनके राजा महाराजा थे उनके बारे में बात करेंगे। और 1857 के बाद फिर हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश शासन के बारे में बात करेंगे, और कुछ नेताओं के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे, फिर राजा और राज्य वंशों के बारे में हमारी बात बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हमारे संविधान का निर्माण शुरू हो रहा है। इसमें कई सारे चरण आएंगे, जैसे अगर ग्रेजुअली चलें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813, 1833, 1853 यानी 1813, 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट, 1853 का 18 सॉरी 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर इसमें आएगा 1862, 1892, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, जिनको हम
भारतीय परिषद अधिनियम भी कहते हैं, फिर 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फाइनल, जिसके बेस पर हमारा संविधान काफ़ी हद तक मतलब डिपेंडेंट है। फिर 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और उसके बाद आज़ाद भारत में होने वाले परिवर्तन, किस तरह से हमारा पंचवर्षीय योजना रही, किस तरह से 1971, 1976, 1984 में जो स्थिति और गतिविधियां रहीं उनको देखेंगे। तो इस प्रकार हमारा हिस्ट्री का जो टाइमलाइन चलेगा, यहाँ पर हम अपनी हिस्ट्री को आसानी से कोशिश करते हुए जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। इसमें कई सारे इवेंट्स, मुख्य इवेंट्स, स्पेसिफिकली बिहार के लिए भी, और जो बिहार को इम्पैक्टेड करते हैं उनके लिए भी, ये सब हम देखेंगे इसमें। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी बात करते हैं, जो एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है एलिमेंट्री जनरल साइंस, यानी प्रारंभिक सामान्य विज्ञान। अब प्रारंभिक सामान्य विज्ञान में जो इन्होंने पेपर के बारे में चर्चा की हुई है, दिया हुआ है, वो कहते हैं कि अ पेपर ऑफ क्वेश्चंस टू टेस्ट सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हु हैज़ नॉट मेड अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट। यानी कि इस पत्र में दैनिक संप्रेक्षण और अनुभव के ऐसे विषयों के वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके संबंध में आशा की जा सकती है कि किसी वैज्ञानिक विषय पर विशेष अध्ययन किए बिना ही किसी भी शिक्षित व्यक्ति को उसकी जानकारी रह सकती है। हालांकि अगर हम बिल्कुल इनके वर्ड्स पे जाएं तो फिर हो गया काम, लेकिन अगर इस पेपर के एसेंस को समझें तो हमारी एलिमेंट्री साइंस जो है वो स्ट्रिक्टली फॉर अप टू 10th क्लास तक कहलाती है, जिसमें हमें 8, 9, 10th क्लास स्पेस ज़्यादा ध्यान देना है, और हमें ये देखना है कि इस क्लास के अंदर जो कोई भी चैप्टर हमारे सामने से निकलते हैं उनमें क्या कुछ दिया है और क्या कुछ उनकी जानकारी हमें लेना चाहिए। जैसे हम कुछ बीमारियों के ऊपर बात करेंगे, कुछ आविष्कारों के ऊपर बात करेंगे, शरीर के जो तंत्र हैं और या जीवन के जो तंत्र हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको टिश्यूज़ के बारे में बताता हूँ कहते हैं, और टिश्यूज़ के बारे में मैं बताता हूँ। तो टिश्यू जो है वो जो सेल होते हैं उनका ग्रुप होता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, एक जैसे और फिर अलग अलग मिल करके फर्दर ये टिश्यू बनते हैं, और टिश्यूज से मिल करके पूरी बॉडी बनती है। तो टिश्यूज काय में होंगे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे। ठीक है, पहली चीज। अब दो प्रकार की लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, एक मूवेबल और दूसरी इमूवेबल। मूवेबल यानी हम जिनके अंदर मोबिलिटी हो, जैसे हम इंसान, जानवर, कीड़े पतंगे, एनीथिंग एल्स। और स्टेबल कौन होते हैं, जो स्थिर रहेंगे, जैसे पेड़ पौधे। ठीक, तो अब अगर हम पेड़ पौधों के टिश्यूज़ की बात करें तो उसमें हमें कुछ स्पेसिफिक नाम याद रखना है, और अगर वही नाम हमने याद रख लिए तो ये पूरा टिश्यू का टिश्यू जो लोग बाग थोड़ा सा टफ मानते हैं टॉपिक, वो पूरा का पूरा टिश्यू हमारे मन में पूरी तरह से अंतर्सात हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नाम लेता हूँ, जैसे हम टिश्यूज़ की जब बात करेंगे प्लांट टिश्यू की, तो उसमें हम ये देखते हैं कि पहले जो टिश्यू होते हैं वो मेरिस्टमेटिक होते हैं और बाद में वो परमानेंट हो जाते हैं। मेरिस्टमेटिक में टिश्यूज़ तीन प्रकार के होते हैं, अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, और फिर जो परमानेंट होते हैं तो वो परमानेंट टिश्यूज़ आगे चल के सिंपल और कॉम्प्लेक्स में बन जाते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम की तरह यूज़ होते हैं। और जाइलम और फ्लोएम जो है,
एक तरह से क्या काम करते हैं, पानी को ये और प्रोटीन और मिनरल्स को पेड़ में नीचे से ऊपर ले जाने का, और सूरज की रोशनी को फोटोसिंथेसिस और बाकी सारी प्रक्रिया के माध्यम से पेड़ में पूरी पहुंचाने का, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे में पहुंचाने का। तो इस तरह से ये टिश्यूज़ का भी पैटर्न क्लियर हो जाएगा। तो एलिमेंट्री साइंस में लगभग यही सारी कॉमन कॉमन सी चीज़ें पूछते हैं जो एक बेसिक नॉलेज की लिए आवश्यक होती है। तो आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो या मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि थोड़ा सा अप्रिसिएशन मुझे आप लोगों की तरफ से मिले और मैं आपको बिल्कुल बेसिक डिटेल्स ट्रिक के साथ में इस तरह से कि आपका क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट होता है तो वो 99.9% सही हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।